नमस्कार, मैं हूं अमित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं बैटरी रेंज और चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बीच में, जो कि हमें करीब 20,000 से लेकर 25-26,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास IQ Z7 Pro और OnePlus Nord C3 भी अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों, हमने यहाँ पर लिया है Poco X5 Pro, LAVA Agni 2 और Realme 11 Pro। तो चलिए सबसे पहले मैं इन सभी फ़ोन्स को ऑन कर लेता हूँ। बैटरी के बारे में आपको बता दूँ दोस्तों, 5000 mAh का बैटरी हमें Poco X5 Pro, OnePlus Nord C3 और Realme 11 Pro में देखने को मिल रहा है। 4600 mAh का बैटरी दोस्तों हमें देखने को मिलता है IQ Z7 Pro में, जबकि 4700 mAh का बैटरी LAVA Agni 2 में। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सभी फ़ोन हैं 100% बैटरी पर। सबसे पहले डिस्चार्ज करेंगे इन सभी फ़ोन्स को। स्टॉप वॉच भी आ चुकी है, तो चलिए सबसे पहले स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेता हूँ। और अब दोस्तों, मैं इन सभी फ़ोन्स में वाईफाई, ब्लूटूथ और GPS को ऑन कर रहा हूँ और ब्राइटनेस को रख रहे हैं मीडियम लेवल पर। ये सभी फ़ोन्स काम कर रहे हैं दोस्तों Android 13 के साथ में। तो चलिए अब इस बैटरी रेंज कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर के साथ। जी हाँ, एंटीटू बेंचमार्क एप्लीकेशन को टेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि मैं यहाँ पर स्कोर्स भी पता चल जाएंगे और थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाएगा इन सभी फोन्स का। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिपसेट के साथ में देखने मिलता है IQ Z7 Pro। OnePlus Nord C3 आता है दोस्तों स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट के साथ में, स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में दोस्तों हमें Poco X5 Pro देखने मिलता है, और LAVA Agni 2, ये दोनों ही फोन आते हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 चिपसेट के साथ में। और अब दोस्तों, बेंचमार्क स्कोर भी हमारे सामने आ गए हैं। तो सबसे ज्यादा बेंचमार्क स्कोर दोस्तों हमें देखने मिलते हैं IQ Z7 Pro 5G में, जो कि 7 लाख से ऊपर है। तो हाँ, सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस भी दोस्तों हमें इसी फोन में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों OnePlus Nord C3 है, जहां पर हमें लगभग 6,20,000 के आसपास के बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं बाकी सभी फोन्स की, तो वो करीब 5,10,000 से लेकर 5,40,000 तक के बेंचमार्क स्कोर दिखा रहा है। चलिए, इस टेस्ट को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 45 मिनट तक। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को। LAVA Agni 2 में दोस्तों स्टार्टिंग में सीपीयू थ्रॉटल होता है, ये हम पहले भी टेस्ट कर चुके हैं और इस बार भी दोस्तों कुछ ऐसे ही रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा सभी फोन्स अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस के साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीपीयू थ्रॉटल दूसरे फोन्स में देखने को नहीं मिला है। तो अब दोस्तों, लगभग 1 घंटा भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी फोन्स का बैटरी 86% दोस्तों Poco X5 Pro में बैटरी बचा है, 85% LAVA Agni 2 में, 83% IQ Z7 Pro में, OnePlus Nord C3 आता है दोस्तों 89%, यानी कि सबसे ज़्यादा बैटरी पर, और 82% का बैटरी दोस्तों अभी रिमेनिंग है Realme 11 Pro में। और अब दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ YouTube प्लेबैक, जो कि हो रहा है लगभग 2 घंटे के लिए 1080p 60fps पे दोस्तों ये सभी फोन्स में वीडियो प्ले हो रही है। और फिर हम देखेंगे करीब 2 घंटे के बाद हमें यहाँ पर कितना बैटरी देखने मिलता है इन सभी फोन्स का। वैसे डिस्प्ले के बारे में आपको बता दूँ दोस्तों, ये सभी फोन्स आते हैं एमोलेड पैनल के साथ में, और इन सभी फोन्स में हमें 128 का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ, आज के इस वीडियो के लिए सभी फोन्स अपने हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में ही यूज हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप इन्जॉय कीजिए इस बैटरी कंपैरिजन को, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा फोन सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाला है और कौन सा सबसे कम। दोस्तों, फोन्स को यूज़ करते हुए करीब 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बैटरी हमें देखने मिल रहा है OnePlus Nord C3 Poco X5 Pro में, जो कि 72% है। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ IQ Z7 Pro की, तो ये 65% पे है। LAVA Agni 2 और Realme 11 Pro, ये दोनों ही फोन हमें देखने मिलते हैं 64% पे। तो ठीक ठाक बैटरी ड्रेन हुआ है दोस्तों YouTube प्लेबैक में। चलिए, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन, जो कि होने वाली है फ्रंट कैमरे से 1080 पिक्सल्स पे। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी इन सभी फोन्स में करीब 1 घंटे के लिए। फिर हम चेक करते हैं इन सभी फोन्स का बैटरी हमें कितना देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग को करीब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बैटरी अभी भी Poco X5 Pro और OnePlus Nord C3 में है, जो कि 60% है। इसके बाद हमें देखने मिलता है IQ Z7 Pro, जो कि 53% पे है, 50% पे LAVA Agni 2, Realme 11 Pro 48% पे हमको देखने को मिल रहा है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों एक्सट्रीम गेमिंग S49 के साथ में, कुछ 1 से 1.5 घंटा इसको प्ले करेंगे और फिर हम जाएंगे BGMI की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमें कितना बैटरी देखने को मिलता है इन सभी फोन्स का करीब 1 घंटे के बाद।
दोस्तों S49 को प्ले करते हुए करीब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा बैटरी ड्रेन हुआ है दोस्तों इन सभी फ़ोन्स का। सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन मुझे अभी देखने को मिल रहा है OnePlus Nord C3 में, जो कि अब सिर्फ 35% बचा है, तो करीब 25% का बैटरी ड्रेन सिर्फ 1 घंटे में हो चुका है। और पोको X5 Pro को आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लीड ले ली है, ये 41% पे हमको देखने को मिल रहा है। लावा अग्नि 2 दोस्तों 33% पे है, 31% पे IQ Z7 Pro है, Realme 11 Pro हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 31% पर। तो हाँ, काफ़ी अच्छा खासा बैटरी ड्रेन हुआ है वैसे सभी फोन्स में, लेकिन हाँ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है OnePlus Nord C3 में। IQ Z7 Pro भी दोस्तों ठीक ठाक सा परफॉर्म कर रहा है बैटरी के मामले में, हालांकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन हाँ ये ठीक ही परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों करीब 5 घंटे और 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इन सभी फ़ोन्स को यूज़ करते हुए। सबसे कम बैटरी वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं जो चारों फोन्स हमें देखने को मिलते हैं, 18, 19, 20 और 22% पे ये चारों फोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और 31% दोस्तों पोको X5 Pro है। तो हाँ, पोको X5 Pro दोस्तों काफ़ी आगे निकल रहा है IQ Z7 Pro के कंपैरिजन में भी, आप देख सकते हैं करीब 9% बैटरी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं लास्ट में हमें क्या फाइनल स्कोर देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों BGMI को, करीब 1 घंटे तक इसको प्ले करने वाले हैं, फिर चेक करेंगे इसका बैटरी कितना रिमेनिंग है। दोस्तों BGMI के 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी है इन सभी फोन्स में, मतलब पोको X5 Pro को छोड़कर बाकी सभी फोन्स आप देख सकते हैं, लावा अग्नि 2% IQ Z7 Pro 6% 4% OnePlus Nord C3 और Realme 11 Pro 5%, मतलब लगभग सभी फोन्स स्विच ऑफ होने वाले हैं आधे से पौन घंटे में। लेकिन हाँ, पोको X5 Pro में दोस्तों अभी भी 16% का बैटरी रिमेनिंग है, तो मुझे लग रहा है कि आज का विनर भी दोस्तों पोको X5 Pro ही होने वाला है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, अभी तक कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं मिला है हमें जो कि पोको X5 Pro को बैटरी के मामले में बीट कर पाए, और आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ दोस्तों सर्वे सर्फ को, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन अब कितना सर्वाइव कर लेता है। और दोस्तों पहला फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है जो कि IQ Z7 Pro था दोस्तों। सबसे ज़्यादा बैटरी था वैसे अगर मैं चारों को कंपेयर करता हूँ, करीब 6% का बैटरी रिमेनिंग था, लेकिन हाँ करीब 16 मिनट में ही दोस्तों 6 मिनट का जो लास्ट बैटरी था वो खत्म हो चुका है। तो 6 घंटे और 46 मिनट का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिला है, जो कि मेरी उम्मीदों से दोस्तों थोड़ा सा दूर है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 7 घंटे और 30 मिनट से भी ऊपर का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिलना चाहिए, लेकिन हाँ वो नहीं मिला है। तो करीब 6 घंटे और 46 मिनट, करीब 7.5 घंटे का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिला है IQ Z7 Pro में, जो कि मैं ठीक ही कहूँगा। और अब दोस्तों लावा अग्नि 2 हो गया है 100% डिस्चार्ज, 6 घंटे और 55 मिनट, करीब 7 घंटे आप कह सकते हैं यहाँ पर हमें स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है लावा अग्नि 2 का, जो कि ठीक है दोस्तों, ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं और अभी भी हमें कुछ ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों OnePlus Nord C3 भी हो गया है 100% डिस्चार्ज, 6 घंटे और 59 मिनट, यानी कि 6 आवर्स एंड 59 मिनट्स का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ठीक है, हालांकि इससे भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद होती है, पिछली बार भी ये मैंने आपको कहा था, लेकिन हाँ इस बार भी इसके रिजल्ट कुछ ऐसे ही हैं, जबकि यह फ़ोन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। लास्ट दोस्तों 1% बचा है Realme 11 Pro, जबकि Poco X5 Pro बचा है 11%। और अब मैं दोस्तों यहां पर MX Player को स्टार्ट कर रहा हूं, जब तक ये दोनों ही फ़ोन 100% डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं तब तक यही वीडियो प्ले होने वाला है। Realme 11 Pro दोस्तों 100% डिस्चार्ज हो चुका है, 7 घंटे और 5 मिनट का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिला है। इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि हम पहले से काफ़ी बार टेस्ट कर चुके हैं, करीब 7 घंटे का ही हमें यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिलता है। और लास्ट में दोस्तों फाइनल बचा है Poco X5 Pro, और इस बार भी दोस्तों ये विनर हो जाता है, करीब 9% का बैटरी अभी भी यहाँ पर रिमेनिंग है। और फाइनल दोस्तों 7 घंटे और 56 मिनट, यानी कि 7 आवर एंड 56 मिनट का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिला है पोको X5 Pro का, करीब 8 घंटे आप मान सकते हैं दोस्तों पोको X5 Pro ने हमें यहाँ पर कंटिन्यू स्क्रीन टाइम दिया है, जहाँ पर हमने एक्सट्रीम गेमिंग भी की है, बहुत सारी चीज़ें और की हैं दोस्तों। तो बैटरी बैकअप के मुकाबले में दोस्तों पोको X5 Pro को अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है, ये हम पिछले 4-5 टेस्ट से देख रहे हैं, और आज भी रिजल्ट कुछ ऐसे ही हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं इन सभी फोन्स के फाइनल स्कोर। और अब दोस्तों
फिर से चार्ज करने वाले हैं इन सभी फ़ोन्स को 0 to 100%, जहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इन सभी फ़ोन्स के ओरिजिनल चार्जर जो कि हमें इनबॉक्स ही देखने को मिल जाते हैं। एक बार आपको इन सभी फ़ोन्स के चार्जिंग स्पीड के बारे में बता दूँ तो पोको X5 प्रो और रियलमी 11 प्रो ये दोनों ही फ़ोन्स आते हैं 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने मिलता है लावा अग्नि 2 और IQ Z7 प्रो में, जबकि OnePlus Nord C3 आता है दोस्तों 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। तो चलिए अब स्टॉप वॉच भी आ चुकी है, स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच को, स्टार्ट करते हैं चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम सभी फ़ोन्स को ऑन कर देंगे और हर 15 मिनट के इंटरवल में चेक करने वाले हैं दोस्तों कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हो चुका है। पहले 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों फ़ोन्स को चार्ज करते हुए और यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले 15 मिनट में ही 47% चार्ज हो चुका है दोस्तों OnePlus Nord C3। जी हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं तो OnePlus Nord C3 करीब 47-48% चार्ज हो जाता है। इसके बाद दोस्तों लावा अग्नि 2 भी बहुत पीछे नहीं है, 43% चार्ज हो चुका है। अगर मैं बात कर रहा हूँ पोको X5 प्रो की तो ये 33%, 32% पे IQ Z7 प्रो और 35% पे Realme 11 प्रो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों फास्ट चार्जिंग तो सभी फोन्स में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ सबसे आगे है OnePlus Nord C3। देखते हैं 30 मिनट के बाद हमें यहाँ पर क्या स्कोर्स देखने को मिलते हैं सभी फोन्स के। दोस्तों आफ्टर 30 मिनट आप देख सकते हैं 92% पे OnePlus Nord C3 पहुंच चुका है, 77% पे लावा अग्नि 2 है, 68% पे पोको X5 प्रो, 61% IQ Z7 प्रो और 68% Realme 11 प्रो। तो 30 मिनट में ही दोस्तों ये सभी फोन्स लगभग चार्ज हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और फिर दोस्तों को 4-5 मिनट बाद ही 100% चार्ज हो चुका है OnePlus Nord C3। जी हाँ, टाइम हमें देखने मिला है ऑलमोस्ट 36 मिनट का। और अब 45 मिनट के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर 91% पे आ गया है पोको X5 प्रो, काफ़ी अच्छी लीड ले ली है दोस्तों। और लावा अग्नि 2 को भी पीछे छोड़ता हुआ दोस्तों ये अभी हमें सबसे आगे देखने को मिल रहा है। लावा अग्नि 2 87% पे है, 88% पे IQ Z7 प्रो और 87% पे ही Realme 11 प्रो भी हमें देखने को मिल रहा है। 55 मिनट के बाद दोस्तों आप देखिए 99% पोको X5 प्रो, 97% लावा अग्नि 2, 98% IQ Z7 प्रो, 96% Realme 11 प्रो। तो काफ़ी अच्छी टक्कर होने वाली है दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाता है। और अब देखिए दोस्तों 99% पे हमें तीनों ही फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं, 97% पे Realme 11 प्रो। फाइनली लावा अग्नि 2 ने दोस्तों बाजी मार ली है और ये 100% चार्ज हो चुका है। पोको X5 प्रो और IQ Z7 प्रो 99% पे ही अटक गए हैं। लेकिन हाँ, पोको X5 प्रो हो गया है 100% चार्ज, IQ Z7 प्रो अभी भी 99% पर है और 99% पे ही हमको Realme 11 प्रो भी देखने को मिल रहा है। 100% चार्ज हो चुका है दोस्तों अब IQ Z7 प्रो 59 मिनट में, और हाँ Realme 11 प्रो को भी 100% चार्ज होने में टाइम लगा 1 घंटे और 1 मिनट का, यानी कि 61 मिनट। तो अब दोस्तों ये सभी फोन्स हो चुके हैं 100% चार्ज, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें कंपैरिजन देखने को मिला है इन सभी फ़ोन्स का, काफ़ी फास्ट चार्ज होते हैं दोस्तों ये सभी फ़ोन्स। खैर फाइनल स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले चार्ज हो गया था दोस्तों OnePlus Nord C3, जहाँ पे टाइम लगा है ऑलमोस्ट 36 मिनट 0 to 100% चार्ज होने में, और यहाँ पर हमें 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। तो कुल मिलाकर ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में, जहाँ पर हमने आपको बैटरी रेंज कंपैरिजन भी दिया है और चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन भी इन सभी फ़ोन्स के बीच में। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो देखकर आप लोग एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।